हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों आज है 31 अगस्त 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सब को लेकर आया हूं, साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीती है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में जो है स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दूँ कि अवनी लेखरा जो है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। भारत ने अब तक जो है टोक्यो पैरालंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर जो है क्या किया है? तो पुणे का नाम बदलकर कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर जो है नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। भारतीय सेना का मिशन ओलंपिक कार्यक्रम 2001 में ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता प्रदर्शन देने के इरादे से जो है इसे शुरू किया गया था, जिनका नाम बदल दिया गया है, इसे कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो बात किया गया नीरज चोपड़ा का, तो आप सबको पता होगा कि नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। और याद रखिए कि अब से जो है प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को इनके सम्मान में जो है भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को जो है नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निषाद कुमार ने हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारत के निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दूं कि 23 वर्षीय निषाद ने 2.06 मीटर की छलांग लगाई है और ऐसा करते हुए जो है एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। इसमें गोल्ड मेडल जीता है अमेरिकी रोडरिक टाउनसेंड। देखिएगा इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है अमेरिकी रोडरिक टाउनसेंड, जिन्होंने 2.15 मीटर की छलांग लगाया है। दोस्तों अगर बात करें एक और जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो याद रखिएगा भाविना पटेल। याद रखिएगा भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीती है। याद रखिएगा भारत के भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीती है। भावना नंबर वन खिलाड़ी चीन की झोउ यिंग से फाइनल मुकाबले में 0-3 से हार गई, जिसके बाद उसे जो है सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। तो अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार द्वारा निर्मित से किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है अमित रोहित दास को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर अमित रोहिदास को खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बीजू नायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र और 2,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को निम्न से किस राज्य के राज्यपाल का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पंजाब के राज्यपाल का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले जो है पंजाब का गवर्नर था वीपी सिंह बदनौर। तो यहां पर बात किया गया है पंजाब का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में ये है पंजाब। पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और सबसे बड़ा शहर है लुधियाना और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसका राज्यपाल बन गए हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो कि एडिशनल चार्ज में हैं।
अगर बात करिए पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य का, तो याद रखिएगा कि भांगड़ा और गिद्धा जो है पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य, देखिएगा भांगड़ा और गिद्धा जो है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अगला प्रश्न है, किसे बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? तो ये जीती है मैक्स वेरस्टापेन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, रेडबुल नीदरलैंड के मैक्स वेरस्टापेन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। इनमें जो है जॉर्ज रसेल सेकेंड नंबर पर रहा है और लुइस हैमिल्टन जो है इसमें थर्ड नंबर पर रहा है, और इसे जीत लिया है मैक्स वेरस्टापेन जो कि रेडबुल से है। तो अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन जो है लद्दाख में किया गया है। इससे लेह के जो है पलटन इलाकों को 11,562 फीट की ऊंचाई पर अपना पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर मिला है। यह थिएटर -28 डिग्री सेल्सियस में भी जो है काम कर सकता है। इस पहल का उद्देश्य भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सिनेमा देखने का अनुभव लाना है। दोस्तों यहां पर बात किया गया है लद्दाख का, तो एक पॉइंट और आप देखिएगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा लद्दाख के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है। क्या हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लद्दाख के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण भी किया गया है? तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस देश भर के छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। दोस्तों अगर बात करें 30 अगस्त का, तो 30 अगस्त को जो है एक और दिवस मनाया जाता है, देखिएगा 30 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो है दिवस भी मनाया जाता है, यानी ज़बरदस्ती जो है गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी जो है 30 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है 2011 में की गई थी। दोस्तों यह है आज यानी 31 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक जो है गोद लिया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछा गया है किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, दूसरा है दिल्ली सरकार, तीसरा है मुंबई सरकार, चौथा है केरल सरकार। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है।